हाय, माय नेम इज़ विपुल रॉय एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि हम अपने घर पे ही मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, वहीं विसर्जन करते हैं, इको फ्रेंडली तरीके से बनाते हैं, इको फ्रेंडली विसर्जन करते हैं और किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारा फेथ हमारे भगवान से जुड़ा हुआ है। पर हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि जब मैं जा रहा था तब जो बाकी लोग पूरी रात से लाइन में खड़े थे, तो मैं जब जा रहा था तो मुझे वो भी दिख रहा था कि वो लोग पूरी पूरी रात से लाइन में खड़े थे और मैं जल्दी से जा पाया क्योंकि उन्होंने बुलाया था और एक्सेस मिल गया था। और आपको पता ना कैसे होता है ना, लोग ले जाते हैं और सब होता है। पर जब मैं वहाँ खड़ा था, जब मैं निकल रहा था, तो मैं और भी लोगों की नज़र भी देख रहा था और वो बात मुझे फिर अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे। सो नाउ दैट गणेश चतुर्थी इज नियरिंग, एनी प्लान्स? Yes, so Ganesh Chaturthi has always been one of my favorite festivals in, I was going to say Maharashtra, but I say all across India, because Maharashtra in the sense that because my first exposure to Ganesh Chaturthi happened because I was in Mumbai, and the way magnificently it is celebrated here is nothing less than madness. तो क्योंकि मुंबई आए तो सबने बताया कि यार अगर पापा को घर लाओगे तो प्रोग्रेस होती है, आशीर्वाद मिलता है। और उस उम्मीद से मैं 13 साल पहले पापा को घर लाया था। सो आई थिंक इट बिकेम वेरी वेरी स्पेशल टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि सिंस देन टिल नाउ इट्स जस्ट ओनली बीन अपस्विंग इन माई लाइफ एंड आई फील कम्प्लीटली ब्लेस्ड विद दैट। सो मैं हर साल मनाता हूँ और ज़ोर शोर से मनाता हूँ, बट माई कनेक्शन टू बापा एंड द इंटायर फैमिली, द इंटायर महादेव फैमिली आई कॉल इट, इज़ वेरी पर्सनल। सो आई वोंट डिस्टर्ब यू वैन आई हैव बापा ऑल्सो ऑन द स्ट्रीट्स, आई वोंट गो एंड यू नो आई वोंट ट्रबल पीपल अक्रॉस द सिटी। जो नहीं बिलीव करते हैं, नहीं रखते हैं, उनको कहीं काम पे जाना है या किसी को हॉस्पिटल पहुँचना है या किसी कुछ करना है, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि हम अपने घर पे ही मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, वहीं विसर्जन करते हैं, इको फ्रेंडली तरीके से बनाते हैं, इको फ्रेंडली विसर्जन करते हैं और किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारा फेथ हमारे भगवान से जुड़ा हुआ है। सही बात है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सड़कों पे उतरेंगे और बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी हमारे उतरने से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बिलीफ फैक्टर जो है वो घर के अंदर रहे तो अच्छा है। सो सब जो भी मुंबई आता है उसकी एक लालबाग चराजा स्टोरी होती है। डिड यू विजिट लालबाग चराजा इन योर इनिशियल डेज? यस यस यस, व्हेन आई वाज डूइंग एफआईआर, ओके, दैट्स व्हेन दे हैड कॉल्ड मी एंड मेरा सौभाग्य कि मैं मुझे बुलाया और मैं जा पाया और दर्शन हो पाए। पर हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि जब मैं जा रहा था तब जो बाकी लोग पूरी रात से लाइन में खड़े थे, तो मैं जब जा रहा था तो मुझे वो भी दिख रहा था कि वो लोग पूरी पूरी रात से लाइन में खड़े थे और मैं जल्दी से जा पाया क्योंकि उन्होंने बुलाया था और एक्सेस मिल गया था। और आपको पता ना कैसे होता है ना, लोग ले जाते हैं और सब होता है। पर जब मैं वहाँ खड़ा था, जब मैं निकल रहा था, तो मैं और भी लोगों की नज़र भी देख रहा था और वो बात मुझे फिर अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलिए भगवान ने हमें ये मौका दिया, ये सौभाग्य दिया कि हम इतनी आराम से आसानी से दर्शन कर पाएँ या पहुँच पाएँ, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी नज़रों में देख के ऐसा नहीं आता, उनको लगा था कि अरे यार ये तो अभी आए और अभी के अभी चले गए। तो पता नहीं, मिक्स फीलिंग रहती है मेरी। तो मैंने उनसे बोला ऐसा कुछ कर दो चमत्कार, किसी को लाइन में खड़ा ना होना पड़े, आप इतने विशाल बन जाओ कि एक ऐसा एक चौकोर बनाए, लोग आजू बाजू और सब एक साथ दर्शन करें, लाखों करोड़ों लोग। ऐसा मतलब मैंने कहा कि आप ऐसी ऐसी मूर्ति प्रकट करो अपने आप की। सब एक साथ करें। मूर्ति काफी विशाल हो ही चुकी है। हाँ, पहले से तो आई डोंट लाइक द लाइन सिस्टम। मुझे बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे वो। तो दैट्स द ओनली थिंग, बट माय फॉर्चून दैट ओपनड अप आफ्टर विजिटिंग वाज मैसिव। बट एक्चुअली यू नो उस लाइन में खड़े रह के वेट करना भी बहुत मजेदार होता है। नहीं, होता तो है। Because you meet so many people while you're in that queue and you're like, you know, singing, chanting, you're going in the same faith, belief and everything. तो वो भी एक बहुत मजेदार experience होता है। हाँ, मेरे ख्याल से युवा पीढ़ी को खड़ा कर दो तो चलता है, but मैंने बहुत सारी aged औरतें देखी और ऐसी महिलाएं देखी जो बच्चों बच्चों को लेके आई थी, like lot of people with small kids, उनके पैर जल रहे हैं धूप में और वो सब हो रहा है, तो फिर मुझे वो देख के अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग युवा पीढ़ी को, जैसे आपके मेरे जैसे लोगों को आराम से लाइन में खड़ा कर दो जी और बोलो कि खड़े रहो दो दिन, दो तीन घंटे भी, इट्स फाइन। बट आई फील वेरी सॉफ्ट फॉर एजेड people
जिनको दर्शन करने के लिए खड़ा होना पड़ता है या बच्चों के लिए. There should be a special queue for that. Please, if that's the message that can go. Please do. So I wrap my questions here. But any message for the fans? What would you love to tell them? Yeah, to all my fans. Yeah, thank you for being loving me for such a long time, and I'm back on Saregamapa stage, hosting and doing the best that I, you know, can do. Keep loving, and I look forward to seeing you guys in person soon.